कैसे बनाते हैं इडली का सांबर देखिए। इसके लिए मैंने एक कटोरी तुरी दाल ली है। अब इसको धो के सोक करके रखेंगे। मैंने इसे 3 बार धो दिया है। अब इसमें पानी डाल के रख देते हैं। 3 घंटे के लिए हम सोक करेंगे और उसके बाद मिट्टी के पॉट में हम बॉईल करेंगे। आप चाहे तो कुकर में भी कर सकते हैं। कुकर में 4 से 5 मिसल लेनी है। मैंने इसे बॉईल कर दिया है। 18 से 22 मिनट लगे हैं बॉईल होने में। फिर हम इसे पीस रहे हैं। अच्छा 1 स्पून घी डालेंगे। एक छोटा स्पून मेथी है। एक छोटा स्पून राइस। एक छोटा स्पून जीरा। थोड़ा सा हींग। गैस को लो फ्लेम में ही रखना है। दो लाल मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ते और 1 कटोरी छोटा कटा हुआ ऑनियन को प्रेस लगा देंगे ताकि इसका सुगंध बाहर नहीं जाएगा। देखा चुका सकते हैं। उसे 2 लीटर फ्राई करेंगे। थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के नाते का सांबर बना रहे हैं तो कभी भी आप छोटे से ऑनियन ही डालिए तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी गोल्डन ब्राउन हो गए थोड़े से। अब इसमें 2 टमाटर डालेंगे तो हमने छोटे छोटे कट कर दिए हैं। अभी इसमें मसाला डालने हैं। 1 स्पून नमक तो आपके अनुसार। आधा छोटा स्पून लाल मिर्च। हल्दी पाउडर आधा स्पून। 1 स्पून धनिया पाउडर। ये सांबार मसाला है। 1 स्पून ये भी सांबार मसाला है। 1 स्पून अच्छे से मिक्स करना है। अभी हम इस पे ढक लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी बार बार देखते रहना है नहीं तो नीचे में चिपक सकता है। और हिलाते रहना है। टमाटर को थोड़ा मैश करना है। अभी थोड़ा सा इमली का पानी डाल देते हैं इसमें। ये नीचे का नहीं डालना है। थोड़ा इसमें कचरा रहता है। अभी इस पे ढक लगा देते हैं। मसाला घी छोड़ने लगा है और इमली का पानी आपके हिसाब से ही डालना है। अभी पिसी हुई दाल डाल देते हैं। पानी डाल देते हैं इसमें।
एक स्पून इसमें गुड़ डालेंगे। आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा और डाल दीजिए, और अभी इसे 5 से 8 मिनट तक उबलने देंगे। यदि कभी भी आपका सांभर पतला हो जाए तो जो इडली का घोल होता है वो थोड़ा सा डाल दीजिए। मेरा सांभर एकदम बराबर है, मैं नहीं डालूंगी। सांभर को उबलते 8 मिनट हो गए हैं और इसमें खुशबू आने लगी है। अभी कटा हुआ धनिया डालेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। सांभर बन के तैयार हो गया है। मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।